क्या आप चाहते हैं कटिहार का हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे? तो उठाएं मोबाइल और यूट्यूब खोलें, फिर सर्च करें KTN न्यूज कटिहार। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमांचल के साथ तो विकास के मामले में सौतेला पर हो ही रहा है, लेकिन सीमांचल में लोगों के दिलों से जो सरपसंद लोग हैं, जो समाज के गलत किस्म के लोग हैं, ऐसे आपराधिक हैं, इनके दरमियान में से कानून का भय हट गया है, या के फिर कानून की सरपरस्ती के तरफ से शय मिल गया है कि पे दर पे यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। मैं एक दुखद घटना की खबर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। वो ये है कि परसों रात्रि 6 बजे एक नौजवान जिसका नाम जमाल है, पिता मुमताज आलम, हाजीपुर कटिहार का रहने वाला है, 3-4 बेटियों का और एक छोटे बेटे का बाप है, वो मासूम सा बच्चा अभी उसकी बीवी के गोद में है। वो बेचारा अपनी जीविका के लिए मजदूरी के लिए 500 रुपये की मजदूरी में जो पशु के ताजिर हैं, जो व्यापारी हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि अंतर्राज्यीय व्यापारी है, बल्कि वो खेरिया हाट से लेकर के कुमेदपुर हाट जो कटिहार का हाट है, वो एक हाट से दूसरा हाट मवेशी हाट कर ले जा रहा है। और वहीं पर प्राणपुर के नज़दीक में 4 आदमी मिलकर सुभाष, नीलाधर, छोटे लाल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसकी निर्मम हत्या ये कहकर कर दी रंगदारी के नाम पर। और ये मामला कटिहार शहर के 15 किलोमीटर के अंदर का है ना, और वहाँ पर ये निर्मम हत्या हो जाती है। और ये दूसरा मामला ये है कि आज से लगभग 14 दिन कब्ल यहाँ पर मामला होता है, 31 तारीख को एक मामला होता है जमीन के विवाद का। ये मामला है आपका छगलिया गेलवा का, वहाँ पर जमीन का मालिक है जफीर और मोहम्मद ताहिर, और इन लोगों ने सूचना दी कि मेरी फसल को दूसरा काटने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम तुफैल है और सफीरुद्दीन है। 31 तारीख को इन लोगों ने थाने में आवेदन दिया। 1 तारीख को, 1 नवंबर को पुलिस वहाँ जाती है, पुलिस के उस सिपाही KSI का नाम है अखिल पासवान जी वहाँ जाते हैं और दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के क्रम में वो जो कातिल है मोहम्मद तुफैल, ये सारे लोग इन पर टूट पड़ते हैं और पुलिस उसको कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि अखिल पासवान जी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जफर की हत्या कर दी जाती है जिसके बाप का नाम मोहम्मद ताहिर है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। मेरा सीधा आरोप ये है कि नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर बीजेपी और RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, या माइनॉरिटी के लोगों की जान जा रही है, एक तरफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी तरफ मवेशी हाक कर ले जा रहा है, तो उसको भी दबंग लोगों ने वहाँ पर फिरौती के नाम पर या रंगदारी के नाम पर पैसा न पाकर उसको शाम 6 बजे उसकी हत्या कर देता है। तो कहाँ है कानून का राज और कहाँ है लोग सुरक्षित? बेटियों की इज्जत टूट रही है, गरीबों की इज्जत टूट रही है और माइनॉरिटी के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले कई महीनों की घटना है, पिछले दिनों में जैनुल आबिदीन अंसारी की निर्मम हत्या कराई गई छपरा में, और अभी कुछ दिन पहले बिहार शरीफ में भी माइनॉरिटी के लोगों को घर में बंद रखकर कर्फ्यू का नफाज हुआ, वहाँ पर वहाँ के उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया वहाँ पर। और अभी ये सीमांचल का सबसे सौहार्दपूर्ण क्षेत्र, हमारा सबसे गरीब क्षेत्र, जिनकी रोशनी में यहाँ पर हत्या की कोई खबर हम लोग को नहीं मिल पा रही। इससे पहले भी अल्ता में भी हुआ, वो भी दिन के 10 बजे वहाँ पर हत्या हुई है, करबला काशी बाड़ी में दिन के 10 बजे वहाँ पर हत्या की जाती है, और यहाँ पर भी सूरज की रोशनी में हत्या हो रही है छगलिया गेलवा में, और यहाँ कटिहार में ये जो हुआ है उनकी निर्मम हत्या हो रही है। हमारा सीधा आरोप है कि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कराए जा रहे हैं, अकलियतों की जान जा रही है और नीतीश कुमार मुख दर्शक बनकर देख रहा है। वो कहीं न कहीं से जो कॉमनल वोटर्स है उसको ये संदेश देने की का प्रयास कर रहे हैं कि अकलियतों के साथ हम नहीं, हमारा वह है अगर नीतीश कुमार जी अकलियतों के साथ हैं, इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं और जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री के अपने पद का निर्वहन करते हैं, तो वो उन पुलिस पदाधिकारियों पर जिनके लापरवाही के नतीजे में जान गई है उनको फौरन नौकरी से मुअत्तल करें, और जिन जिन का कत्ल सरकारी लापरवाही के नतीजे में, हम टैक्स देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है मेरे जान
मेरे माल, मेरे अधिकार, मेरे इज्जत की रखवाली का, और जो सरकार हमारे जान की भी हिफाजत नहीं कर सके गद्दी में बैठने का, उसको क्या है। 20-20 लाख रुपया मृतक के परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए, उनके घर के लोगों को नौकरी दिया जाए, सरकारी राशि से उनके घर का निर्माण कराया जाए, और जो लोग कातिल हैं उनकी फौरी गिरफ्तारी हो, ट्रायल करके उनको फांसी की सजा दी जाए, और लापरवाह पुलिस के पदाधिकारियों को फौरी तौर पर नौकरी से मुअत्तल किया जाए। जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं हमारे, सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी भी लापरवाही इसमें है। आखिर क्यों नहीं होता है? बड़े लोगों की बेटों की किडनैपिंग होती है तो 24 घंटे के अंदर में, 36 घंटे के अंदर में देश के किसी भी कोने में हो वहां पर पकड़ के उसको हाजिर किया जाता है। और किसी गरीब की हत्या हो रही है, मजदूर की हत्या हो रही है, अकलियत के लोगों की हत्या हो रही है, और सीमांचल के शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र की हत्या हो रही है, क्षेत्र की हत्या हो रही है, यहाँ के सौहार्द की हत्या हो रही है, और दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है और लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि सरकारी तौर पर पूरे लापरवाही का मामला है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे खून का कीमत दो और शांति व्यवस्था पैदा करो, और पुलिस के जो पदाधिकारी निकम्मे किस्म के हैं उसको यहाँ से हटाओ। पिछले दिनों में सुशील मोदी जी ने कहा था कि अगर निकम्मेपन का मुजाहरा करो तो उन्हें अफसर का ऑफिशियल असिस्टेंट की बैठक में कहा था कि निकम्मेपन का मुजाहरा करोगे तो तुमको किशनगंज भेज देंगे। लगता है कि ऐसे पदाधिकारियों को हमारे यहाँ भेज दिया जाता है। एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर जाता है, अगर उसका हेलमेट नहीं और जूता नहीं है तो फौरन उस पर चार्ज करती है पुलिस, उसको थाना में ले जाती है उसकी गाड़ी को, और एक आदमी की हत्या हो गई है, पुलिस की लापरवाही से हत्या हुई है। पुलिस का ASI वहां पर जाता है और रोक नहीं पाता, उसकी हत्या हो जाती है। अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, मजदूरी करने के लिए जाता है और उसको हत्या हो जाती है। इन हत्यारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, उन पर स्पेशल ट्रैक कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, 20-20 लाख रुपया मृतक के परिवार को जुर्माना दिया जाए, और सीमांचल से तमाम तरह ऑफिसरों को जो निकम्मेपन का मुजाहरा कर रहे हैं उसको फौरन यहाँ पर तबादला करें। और अगर सरकार तबादला नहीं करती है तो MIM ये समझने पर मजबूर है कि नीतीश कुमार जी की बंदी भी साजिश है कि पूरे बिहार में अकलियतों को प्रताड़ित करो, इनको विकास से रोको, इनको नौकरियों में रोको, और इनके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं करो, बल्कि इनकी निर्मम हत्या अगर हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि कहीं न कहीं से अकलियत के लोग दूसरे दर्जे के शहरी हो गए। पूरे देश में मोदी जी के जमाने में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, उसी काम में नीतीश कुमार जी के जमाने में हमारे अकलियतों के लोगों की किस तरह हत्या हो रही है, पिछले दिनों की घटना है, जिस पर हमारे विधायक जी भी बात करेंगे। हम आपके माध्यम से हम सीमांचल के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि इन हत्यारों के खिलाफ सड़क पर हमें आना होगा। MIM सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे विधायक जी हैं, हम आशा करते हैं कि विधायक जी इस मामले को अभी जो आने वाला सेशन है उसमें जरूर उठाएंगे। और आप प्रेस के साथियों के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि निर्मम जिन लोगों की हत्या हुई है उनकी गिरफ्तारी हो, और जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के लोगों को सही और माकूल मुआवजा दें। और पुलिस जिस दिन चाह लेगा उस दिन तो समझ जाए कि 3 फीट अगर मट्टी के अंदर में भी अभियुक्त होगा तो उसको निकाल लेगा। क्या वजह है? यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन से भी प्रशासन कमजोर है। मैं आपको घटना बता दूं, 5 तारीख की, 5 तारीख को बेलवा में एक घटना घटती है, वॉकिंग डिस्टेंस पर थाना है, और वहां पर एक गरीब के घर में मैंने 2.5 घंटा तक ऑपरेशन किया जा रहा है, उसका घर को तोड़ा जा रहा है, खम्भा उखाड़ा जा रहा है, पूरा टीना खोला जा रहा है, सारे चीज़ को ट्रैक्टर में लोड करके और बंगाल से कुछ असामाजिक तत्वों को ला करके सैकड़ों के हिसाब में और ला करके पूरे सामान को लोड करके लेकर के बंगाल चला जाता है, और पुलिस के पास जब वहाँ का उस वो आता है तो उसको धक्का मार करके भगा दिया जाता है, उसकी बीवी आकर के गुहार लगाती है, उसको भी भगा दिया जाता है, लास्ट में उसकी बेटी एक उसका नाम सोनिया नाम की एक लड़की आती है और वहाँ का थाना प्रभारी उसको मार करके दांत तोड़ देता है, और दांत तोड़ देने के बाद वो उस आदमी को जो मारा जाता है उस परिवार के लोगों को, और दोनों जाकर के हॉस्पिटल में रहता है। जब मुझे खबर मिली मैं आया वहाँ पर, सरजमीन को देखा, सरजमीन को जांच करने के बाद सैकड़ों वहाँ पर लोग थे, गांव के लोग थे, वहाँ पर जितने भी ग्राम के प्रमुख उपप्रमुख जनप्रतिनिधि सारे लोग मौजूद थे। सारे लोगों के सामने में जब वहाँ पर देखा सारा बात सच्चाई सामने में आया, 7 तारीख के दिन, 5 तारीख को FIR होता है,
सात तारीख के दिन हम एसपी साहब से मिले, अपने लेटर पैड पर लिख करके दिए कि जो सोनी को सोनिया को सोनी को थप्पड़ मार करके उसका दांत तोड़ देता है, वैसे पदाधिकारी को वहां से अभी तक हटा।